हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ पेन हेड। सो दिस इज़ अ पेन हेड। हेयर हेयर द डायमेंशन ऑफ बेस इज़ 1.6D और हाइट जो है इस हेड की है 0.7D। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसके जो डायमेंशन है वो डी है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसे लोअर पोर्शन है इसे हम शैंक कहते हैं, इसका डाया जो है डी है। तो हम शुरू करते हैं बनाना। इसको कैसे शुरू करेंगे? तो फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम डी। तो मैं डी जैसे अज्यूम कर लेता हूँ, मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने डी एज्यूम किया 30 30 डी एज्यूम कर लिया मैंने। तो अब हमको कुछ डायमेंशन फाइंड करने हैं, जैसे कि 1.6D, 0.7D, ये हमको कुछ डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो मैं आपको शो कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1.6 इंटू जो डी हमने एज्यूम किया है वो हमने एज्यूम किया है 30, तो ये आ जाएगा 48। तो ये हमारा हो गया 48। और जो 0.7D है, 0.7 इंटू डी, तो ये जाएगा 21। जो हमारे सारे डायमेंशन है वो mm में है, हमको यही डायमेंशन की ज़रूरत थी। तो हमको इसको ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट तो हमको सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने पहले से सेंटर लाइन ड्रॉ कर रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ बेस ऑफ द हेड। तो ये हम बेस है, बेस मैंने आपको जैसे निकाला है 1.60, क्योंकि हमारा आया 48 mm। तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 48 mm का हाफ हमको लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है, हाफ हमको राइट साइड में ड्रॉ करना है। वो हो जाएगा 24 mm हम लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे और 24 mm हम राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो ये हेड का बेस ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर आप जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमको ये जो 0.7D है इसकी हाइट दी हुई है हेड की, तो वो मैंने निकाली 21 mm। तो मैं 21 mm अपर डायरेक्शन में मार्क कर लूँगा इस बेस से, 21 mm अपर डायरेक्शन में। तो ये मैंने मार्क कर दिया, ये मैंने मार्क कर दिया, फिर 21 mm मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद हमको ये डी ऊपर ड्रॉ करना होगा, तो हम इस डी को ड्रॉ करेंगे। जो कि डी मैंने लिया था, एज्यूम किया था, वो था 30 mm। तो 15 mm हम लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे और 15 mm हम राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 30 mm। अब हमको ये और ये पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स हमको मिले, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गए हमारे। और ये वाला पॉइंट हमारा ज्वाइन हो गया। तो ये इस रिवेट हेड का हमारा हेड रेडी है, ये रिवेट हेड का हेड रेडी है, बहुत ही इजी है ये। इसके बाद हमको इसका शैंक ड्रॉ करना है। ये जो शैंक होता है ये सर्कुलर होता है, तो इसका डाया जो दिया हुआ है वो डी है, जो कि डी है, डी हमने लिया था 30 mm। और ये इसकी लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जो डी लिया था मैंने 30 mm लिया था, यानी कि इसके इक्वल। तो मैं यहाँ से इतना बना देता हूँ। मैंने जैसा कि बताया आप लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, ये क्योंकि इसकी लेंथ हमको गिवन नहीं है। तो इसके बाद हम इसको कुछ ऐसा नीचे से शो कर देंगे और यहाँ पे इसको हैच कर देंगे, हैचिंग लाइन कर देंगे, क्योंकि इसकी लेंथ हमको गिवन नहीं है। अभी मैं इसको इसकी आपको डायमेंशनिंग करके शो कर देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने डायमेंशनिंग कर दी है। आफ्टर डायमेंशनिंग पेन हेड कुछ ऐसा दिखेगा। If you have any doubt related to pen head, let me know in the comment section. If you have not subscribed our channel, like, share, subscribe. Thanks for watching our video.